नमस्कार, मैं अनुभा जैन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी व्यवसायों से संबंधित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उक्त प्रसंग के संचार कौशल इस विषय पर आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रही हूँ। मानव जीवन नदी की धारा के समान होता है। जिस तरह से नदी की धारा ऊंचे नीचे या समतल या पठारी सारे ही जगह पर जाते हुए समुद्र में मिल जाती है, इसी तरह से मानव भी सुख दुख रूपी अनेक संघर्षों को सहते हुए आगे बढ़ता रहता है। आगे बढ़ने में जो उसकी मदद करता है वह समय है, और जो इस भागते हुए समय को पकड़ लेता है अर्थात इसका सदुपयोग कर लेता है वह उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, तो चलते रहिए, रुकिए मत, कभी हारना नहीं, क्योंकि बुरा वक्त गुजर जाएगा। तो जी हाँ, आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि समय प्रबंधन क्या होता है, हमें कैसे समय को मैनेज करना है, और जो लोग नहीं कर पाते हैं उनको इससे क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। साथ ही हम इसमें पर्सनल हाइजीन, अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि व्यक्तिगत जो स्वच्छता होती है वो आपके व्यक्तित्व को कैसे निखार देती है। कामयाबी की चाहत सभी को है, और समय प्रबंधन यानी जो टाइम मैनेजमेंट है वो एक ऐसा हथियार होता है जो आपको कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये अनिवार्य है कि आप समय की कीमत को समझें। किसी व्यक्ति की इसीलिए कहा जाता है, हमारे चाणक्य हैं उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत बनाइए। क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक मामूली कोयले के टुकड़े को भी हीरे में परिवर्तित कर सकती है। तो जी हाँ, अगर आप अपना समय सही से प्रबंध करते हैं, सही रूप से अपने समय को चलाते हैं, तो आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। और इसके विपरीत अगर आप समय को दुरुपयोग करते हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं, तो आपको उन्नति पर पहुँचने में बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, यह कहावत सभी ने सुनी होगी। समय चलता रहता है, वह किसी के लिए नहीं रुकता है। इसलिए समय को आपको पकड़ना है, आपको इसका प्रयोग करना है। तो समय प्रबंधन अगर आप करते हैं तो इसका बहुत लाभ होता है आपको, जैसे कि बड़ी उत्पादकता, आपकी जो उत्पादकता बढ़ेगी, क्योंकि आप अगर किसी व्यवसायिक क्षेत्र में संलग्न हैं तो व्यवसायिक दृष्टि से भी अगर आप देखते हैं तो क्या होगा कि आपका सारे जो निर्णय हैं, सारी योजनाएं हैं, वो आप समय पर लेते जाएंगे, तो जो आपका उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आपको काम में संतुष्टि मिलेगी, आप संतुष्टि के साथ अपने काम को कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ से हमको कुछ प्राप्त होता है तो वहाँ मानसिक शांति के साथ साथ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। बेहतर पारस्परिक संबंध, चाहे आपके व्यवसायी हो या अपने मित्रों के साथ हो या अपने घर में, सभी के साथ आपके पारस्परिक जो संबंध होंगे, जो रिश्ते होंगे, वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप समय का प्रबंध करते हुए चल रहे हैं। तो क्या होगा कि आपने हर चीज़ को एक समय दे के रखा है, किसी में किसी को आपने अंदर आने की परमिशन नहीं दी है। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उस समय सिर्फ आप वही काम कर रहे हैं, तो आप जो भी समय अपने मित्रों को दे रहे हैं तो उस समय सिर्फ उनके लिए ही दे रहे हैं, तो आप पूरी अपनी श्रद्धा से उनके लिए समय निकालेंगे, तो जो आपका पारस्परिक संबंध है वो बहुत अच्छे होंगे। कम चिंता और तनाव, आपका जो चिंता है और तनाव, क्योंकि आप मानसिक रूप से परेशान नहीं होंगे, आपको चिंता और तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसके विपरीत
अगर आप सही प्रबंधन नहीं करते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं किसान का, किसान सारी ऋतुओं में अलग अलग फसलों को उगाता है, अगर उससे वह एक ऋतु मिस हो जाती है और या उस समय वो अपने बीज नहीं बो पाता है, तो मतलब कि उसकी फसल या वो समय उसके लिए निकल चुका है। इसी तरह मेरे बच्चों, आपका ये विद्यार्थी जीवन है और अगर आप इसके एक एक पल का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो जो आपका जीवन रूपी जो इमारत है वो उच्च शिखर पर नहीं पहुंच पाएगी। जिस तरह से एक किताब को लिखने के लिए एक एक शब्द की आवश्यकता होती है और वह एक एक शब्द लिखा जाता है और उसके बाद वह एक बहुत मोटी या बहुत उपयोगी किताब बन जाती है, इसी तरह विद्यार्थियों, आप भी अपने एक एक पल का उपयोग करते हुए अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएं, उन पलों में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अपने सिलेबस को पूरा करें समय से, तो आप चिंता और तनाव से मुक्त रहेंगे। अगर आपको लगता है आप परीक्षा हमारे सामने है और हम फिर उसको पढ़ाई करने बैठ गए, जबकि उसके विपरीत अगर जो बच्चा पहले से ही अपने पाठ्यक्रम के अनुसार समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ता चला जा रहा है, एक एक चीज़ को कंप्लीट करता जा रहा है, तो परीक्षा समय में सिर्फ उसको रिवीजन करना पड़ेगा और कुछ नहीं, उसको तनाव नहीं होगा, तो हम इससे कम चिंता और तनाव मुक्त हो जाते हैं। बेहतर स्वास्थ्य रहता है अगर हम उच्च अच्छा अपना समय का प्रबंध करते हैं, तो हम अपने लिए भी समय दे पाते हैं। अपने लिए हम समय दे पाएंगे मीन्स खुद के लिए, उस समय हम खुद भी कुछ भी करें, चाहे व्यायाम करें, योग करें, पार्क में घूमें, कुछ भी करें, जिससे कि आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलती है और आत्मसंतुष्टि आपको मिलेगी तो आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, आप अंदर से खुश होंगे। अगर जो व्यक्ति अंदर से खुश है उसको सारी दुनिया मिल जाती है अपने आप ही। इस तरह अब हम जानेंगे कि जो हमारा समय प्रबंधन तो है, लेकिन समय को बर्बाद करने वाले भी कुछ कारक होते हैं, उनको बहुत ब्रीफ में हम पढ़ेंगे कि विस्तारित लंच या ब्रेक, जैसे चाहे आप कक्षा में हो, चाहे आप कार्यालय में हो या चाहे घर में हो, जो लंच हो रहा है, आप खाना खा रहे हैं, उसके लिए लिमिटेड समय 15-20 मिनट में आराम से आपका खाना पूरा हो जाता है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर उसको आप बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका समय वहाँ बर्बाद हो रहा है। आप प्रबंधित बैठकें, जिन बैठकों का कोई योजना नहीं ली गई है, आराम से लोग आ रहे हैं, पहले एक आया फिर और आ रहे हैं, तो इस तरह से भी आपका समय बर्बाद ही होता है। अनावश्यक टेलीफोन, कोई मतलब नहीं है फिर भी टेलीफोन आ रहे हैं, आप फालतू की बातें किए जा रहे हैं, तो आपका समय बर्बाद होता है। प्रतीक्षा या देरी, आप कहीं गए हैं, आप वहाँ प्रतीक्षा, आप मान लीजिए आप अपने बच्चे को दिखाने डॉक्टर के यहाँ गए हैं, लेकिन आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, इस कारण से आपको वहाँ पे आप अपने समय का जो है ना वो दुरुपयोग होगा, आपका समय बर्बाद होगा वहाँ, और वहीं आप अगर अपॉइंटमेंट लेके जाते तो आपको पता होता और आपको प्रतीक्षा नहीं करनी होती। खराब योजना, अगर आपका जो योजना है वो सही नहीं है और उसके बाद आपने मतलब समय के साथ योजना नहीं बना के रखी और कुछ भी काम रख लिया है, तो उसमें आप एक तो सफलता भी हासिल नहीं कर पाएंगे और आपका समय जो है वो बर्बाद होगा। टाल मटोल, आपने कई बार देखा होगा कि हमको, आपने मान लीजिए कहीं टेलर के यहाँ कपड़े सिलने को डाल दिए, अब भाई उससे एक सा टाइम ले लीजिए, आप जा रहे हैं कि नहीं आज मिल जाएंगे, कि आपको वो टाल मटोल कर रहा है, तो वो इस तरह से भी आपका समय बर्बाद हो सकता है। इस तरह हम जानेंगे कि अब समय प्रबंध हमें कैसे करना है, हमें कैसे समय को मैनेज करना है जिससे कि हम सारे काम अच्छे से कर पाएँ। जैसे कि अपनी योजना लिखें, एक अपनी प्लानिंग जरूर लिखनी चाहिए। कुछ लोग हैं कहते हैं मैंने तो प्लान किया था लेकिन हम असफल रहे, तो इसका एक मुख्य कारण होता है कि वो लिखते नहीं हैं, क्योंकि कई बार आपको इतने सारे काम होते हैं कि आप भूल जाते हैं, आपको पता नहीं रहता है और आप उस चीज़ से आपका दिमाग हट जाता है, तो आप उस काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं
और वही विपरीत अगर आप उसको लिखेंगे तो आप समय समय पर अपनी डायरी को देखते रहेंगे और आपका काम समय से पूरा होगा। अपनी दिनचर्या की सूची बनाइए, आपको सुबह से उठ के जो करना है, स्पेशली जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं, अगर विद्यार्थी जीवन में आपको इस काम की आदत पड़ जाती है, थोड़ा सा मुश्किल है, कहते हैं बहुत आसान है, लेकिन जब हम इसको करते हैं तो थोड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर धैर्य के साथ आप इस काम को करेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अपनी दिनचर्या की सूची बनाइए कि हमको क्या कब करना है, जिससे कि आप ऐसा नहीं कि आप किसी जो आधे घंटे का काम है आप उसको 2 घंटे दे रहे हैं, 2 घंटे के काम को फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि जो आपको कम समय का था उसको आपने ज़्यादा समय दे दिया है। और जब आप विद्यार्थी जीवन से इसको अपने अंदर लाएंगे, इस गुण को अपने अंदर लाएंगे, तो जब आप व्यवसायिक में जाएंगे, चाहे कहीं सर्विस करें या आपका व्यवसाय हो, तो आपको आपके व्यवसाय को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और इस तरह से अब कार्य की प्राथमिकता को पहचाने, आपको एक टू डू लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए कि हमको क्या करना है, कि हमें पहले क्या करना चाहिए। कुछ काम हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं, कुछ कम आवश्यक होते हैं और कुछ सामान्य होते हैं कि हम उनको टाल सकते हैं कल के लिए भी। तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं प्राथमिकता के आधार पर, तो जो आपका काम है वो समय से पूरा हो जाएगा, आप तनावग्रस्त नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपका कोई भी काम रह जाएगा तो आप मानसिक रूप से भी परेशान हो जाते हैं। इनकार की आदत डालें। आपको अपने अंदर जो आप काम कर रहे हैं, जो आपने दिनचर्या की सूची बनाई है, उसमें अगर कुछ ऐसा काम आ जाता है तो आपको उससे इनकार करना चाहिए। क्योंकि कई बार आप छोटे छोटे से उन कामों के चक्कर में जो आपका मेन काम होता है वो आपका छूट जाता है, जो आपके करियर आपके भविष्य को उज्जवल करने वाला होता है। तो कुछ कामों को इनकार की आदत भी आप डालिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपके समय की बर्बादी होती है। जैसे कि आप ऑफिस में खड़े हुए हैं, फालतू में आप बात कर रहे हैं, 4 लोग मिल गए और बात भी कुछ ऐसी कि जिसका कोई मतलब नहीं है, किसी से बेवजह उलझना, किसी की बुराई करना। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को दूर करने की कोशिश करें, जिससे कि आपका समय प्रबंध बहुत अच्छे से होगा और आप अपने सारे काम कर पाएंगे। अब हम जानेंगे कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता, जो हमारा स्वास्थ्य है, वो हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है। और इसका एहसास हमें कब होता है? जब हम इसको खो देते हैं। और जो स्वास्थ्य है आपका, वो आपके अंदर व्यक्तिगत स्वच्छता से आएगा, जब आपके अंदर यह स्वच्छता का गुण होगा। तो आज का जो इस विषय में है, स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे हम, आपको हम जानेंगे कि हमें स्वच्छता की आदतों को कैसे अपने अंदर लाना चाहिए और ये हमें कैसे लाभकारी होती हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का पूरी तरह से आनंद लेना चाहता है। जीवन का पूरा आनंद सही अर्थों में तभी लिया जा सकता है जब व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य अच्छा हो। अच्छा स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य संबंधी आचरण से आता है, जो कि आपका दैनिक खान पान हो सकता है, या आपका रहन सहन, आपका व्यवहार विचार, आप किस तरह से कर रहे हैं, उसी से आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हर मनुष्य जो होता है ना, वो अपने स्वास्थ्य का खुद लेखक होता है। आपको खुद लिखना होता है कि हम अपना अच्छा स्वास्थ्य कैसे पा पाएं। तो हम यहाँ जानेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता के कुछ पहलुओं को। शुद्ध एवं स्वच्छ वायु व जल, जो आप जहाँ आप रह रहे हैं, आप अपने आसपास के वातावरण में रह रहे हैं, क्या आपको वहाँ स्वच्छ वायु मिल रही है या स्वच्छ जल वहाँ पे आपको मिल रहा है? अगर नहीं है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास के वातावरण में कुछ पेड़ पौधे उगाएं, जिससे कि आपको स्वच्छ वायु मिल सके। या जो अगर वहाँ अशुद्ध जल आता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। या तो आप छन्ने जो जाली आती है उसका प्रयोग कीजिए, आरओ वाटर का, जैसा भी हो, क्योंकि जल अशुद्ध जल के पीने से आपको बहुत सारी बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है।
शारीरिक स्वच्छता का आपको ध्यान रखना है, जो आपकी दैनिक स्वच्छता है, चाहे वो आपके दांतों को मंजन करने से लेकर है, आँखों की सफाई से लेकर है, बालों की सफाई से लेकर हो। मानसिक स्वास्थ्य, जब आप अपने शारीरिक स्वस्थता का ध्यान रखेंगे, शुद्ध जल एवं वायु रहेंगे, तो आपका जो मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे, और आपको उस मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए कुछ व्यायाम योग भी करने चाहिए। मादक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, क्योंकि यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत हानिकारक होता है। अब हम जानेंगे कि दैनिक जीवन में हम इन स्वच्छता को कैसे अपनाएं। जैसे स्वयं की स्वच्छता, शरीर के सभी अंगों का रोज साफ सफाई करेंगे, साफ सुथरे वस्त्र पहनना, भोजन से पहले और बाद में अगर हाथ धोना या शौचालय से पहले या बाद में हाथ धोना चाहिए। यह आदतें आप अपने छोटे भाई बहनों में आपको ही विकसित करनी है। शुद्ध भोजन का प्रयोग कीजिए। शुद्ध भोजन से मतलब है कि जो सब्जी या जो भी आप भोजन पका रहे हैं वो साफ पानी में होना चाहिए, साफ पानी से उनको धुलें, साफ बर्तनों में पकाएं। अगर आप कहीं बाहर खाना खा रहे हैं तो देखिए वहाँ के किसी होटल में खाना खा रहे हैं तो जरा सोच समझ के, मुख्यतः तो इसीलिए कि शुद्ध भोजन आप अपने घर में तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन बाहर हमें वो बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। तो ध्यान से देख के कि वह एरिया या वह क्षेत्र आपके भोजन के लिए उपयुक्त है, नहीं तो आप वहाँ बिना खाए भी रह सकते हैं। आप फल वगैरह या कुछ और खा के अपना काम चला सकते हैं। स्वच्छ शुद्ध पानी का उपयोग कीजिए। हमेशा पानी को ढक के प्रयोग करें, और जो भी पानी निकालें तो उसके लिए अलग बर्तन का प्रयोग आपको करना चाहिए। स्वच्छ शौचालय, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के लिए बहुत सा अच्छा प्रोग्राम चलाया है। मुख्यतः जो उनका इसमें जो उनका मुख्यतः ध्येय था कि हमें अपने भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना है, क्योंकि इससे जो बीमारियां होती वो बहुत घातक सिद्ध होती हैं। तो जो शौचालय है उनकी सफाई है वो हर रोज होनी चाहिए, और जो शौचालय के अंदर बाहर जो है ये जो पानी का है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आज भी नहीं है। आप लोग घर में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय तो बन जाते हैं, बट वहाँ पानी की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। शौचालय में उचित संवातन जरूर होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, जो कि आपको स्वास्थ्य को लाभदायक होगा। स्वच्छ वातावरण, जो आपके घर के अंदर और बाहर का जो हर रोज हो वो सफाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटा सफाई आपको ही करनी है, जहाँ तक पॉसिबल हो आप सफाई कीजिए, चाहे आपका कार्यालय हो, चाहे आपका जो कार्यालय में कुछ कर्मचारी काम करते हैं आप लोग हैं तो अपनी कक्षा, वहाँ आपको गंदगी नहीं फैलाना है। डस्टबिन का प्रयोग कीजिए, और दूसरे लोगों को आपको जागरूक भी करना है। सैनिटरी शौचालयों का प्रयोग करना है स्वच्छ वातावरण के लिए, बहुत आवश्यक है। जो कि अगर जो बच्चे गाँव से स्पेशली बिलोंग करते हैं उन्हें अपने आसपास के लोगों को इस बारे में जागरूक करना है। अब हम जानेंगे कि व्यक्तिगत स्वच्छता की आवश्यकता हमें क्यों होती है, क्योंकि इससे एक आपको अच्छा सुडोल शरीर बनाए रखने में भी आपको उपयोगी सिद्ध होगा। आप जब स्वच्छ रहेंगे तो आपका जो शरीर है वो आपके हिसाब से सुडोल रहेगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत पतले रहें या बहुत मोटे, आपको निरोगी रहना ये बहुत आवश्यक है। आप अपने आप के अंदर जो है वो आपके अंदर एक ऊर्जा हो, वो भी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, जो आपके लिए कुछ भी काम करने के लिए बहुत प्रेरित करेगी। तो जो आपका अच्छा शरीर है वो आपकी स्वच्छता से ही आपको प्राप्त होगा, क्योंकि जो स्वास्थ्य है वो ऐसी दौलत है, ऐसा बचत खाता है, जो कि आपके छोटे छोटे से जो अमाउंट्स है, जो कि एक्सरसाइज हुई, आपके अच्छे खान पीन की आदतें हुई, ये अमाउंट्स जो है ना ये आपको अपने बचत खाते में डालते रहना है, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग जीवन भर चलने वाला है। तो इस बचत खाते को आपको है कि आपको नियंत्रित में रखना है, इसको कभी खाली नहीं करना है। तो मांसपेशियों का जो है, मांसपेशियों में भी अच्छी शक्ति बनाए रखेगा। जब आप स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ वातावरण में रहेंगे, शुद्ध वायु लेंगे, शुद्ध जल रहेंगे, तो जो आपकी मांसपेशियां हैं वो भी शक्ति रहेंगी, ऊर्जा में उनमें रहेगी।
सुंदर, स्वच्छ एवं स्वस्थ मुख बनाए रखने में या दांतों को नष्ट होने से भी बचाता है। आप स्वच्छ रहेंगे, नियमित दांतों की सफाई करेंगे तो आप सुंदर दिखेंगे। सुंदर रहेंगे तो आपको खुद, क्योंकि सुंदर कैसे रहेंगे, स्वच्छ और स्वस्थता के कारण रहेंगे। आपके दांत नहीं गिरेंगे तो आप बहुत ज़्यादा जब एज में आ जाएंगे तब भी आप बहुत अच्छे दिखेंगे, प्रेरित दिखेंगे, आपसे लोग प्रेरणा लेंगे। व्यक्ति में ऊर्जा शक्ति को बनाए रखेगा, कार्य क्षमता में भी उनको प्रेरित करेगा, उनकी कार्य क्षमता हमेशा बहुत अच्छी बनी रहेगी। शरीर में रोगों के खिलाफ लड़ने की शक्ति को बनाए रखने में तथा संक्रमण की रोकथाम करने में भी है आपको उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य की जो चमक होती है बेटा वो व्यायाम से आती है। और व्यायाम जो है, कई तरह के योग अब चल रहे हैं वर्तमान में, आप लोग देखते होंगे हमारे बाबा रामदेव जी हैं जिन्होंने कई सारे योग, और योग की दुनिया में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। योग हमारे पूरा प्राचीन काल से ही रहा है, लेकिन जो उन्होंने इसको एक नई ऊर्जा दी है या नई दिशा निर्देश दिया है, तो इससे हम क्या है, हम अपनी इम्यूनिटी पावर या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं और संक्रमण की भी रोकथाम कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत स्वच्छता जो है, कार्यस्थल पर भी स्वच्छता का बहुत महत्व होता है। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ स्वच्छता का बहुत महत्व होता है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने दिन का संपूर्ण समय कहाँ पर बिताता है, अपने कार्यालय में। अपने कार्यालय में वह करीब 7-8 घंटे, 8 से 10 घंटे जो भी है, कहीं कहीं बहुत लेट काम होता है तो 10 घंटे भी कहीं काम इस तरह से ओवर टाइम हो जाता है, 8 घंटे आप मान के चलिए। तो जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर अगर स्वच्छता नहीं है तो यह आपको, आपको मानसिक रूप से, आपको शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रेरित या बहुत ज़्यादा आपको डाउन करने वाली है। तो यह आपकी, आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है कि जो आपका कार्यस्थल है वहाँ पर आपको स्वच्छता बनाए रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपकी अनचाही जो आदतें हैं वो दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। कोई भी आदत हो सकती है, आपको बार बार जैसे छींक आ रही है तो समय आपको ध्यान रखना है कि आपका रुमाल भूलना नहीं, कभी हमेशा लेकर जाना है, चाहे आप कक्षा में बैठे हैं या चाहे आप ऑफिस बड़े होके या जब आप काम करने लग जाएं किसी व्यवसाय में, या कोई भी कर्मचारी जो अभी वर्तमान में भी काम कर रहा है तो इसका आपको ध्यान रखना है। आप अगर कुछ गुटखा वगैरह जो कुछ लोग खाते हैं तो वो कहीं भी उसको थूक देते हैं तो ये आपका व्यक्तित्व जो है वो नीचे गिराती हैं, आपको दूसरों की नज़रों में ऊपर नहीं उठाएंगी, क्योंकि स्वच्छता जो होता है वो स्वास्थ्य का आपके लिए एक ऐसा धन है जो आपके लिए हमेशा काम में आने वाला है। और अगर आपने इस धन को खर्च कर दिया अपनी गंदी गंदी आदतों से या ऐसी आदतें जो नहीं करनी चाहिए जो कि आपके व्यक्तित्व को नीचा करती हैं, तो आपका जीवन जो है जीने के लिए मेरे ख्याल से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ जिएंगे तो आप अपने जीवन का आनंद पूरी ज़िंदगी भर ले पाएंगे। तो आपको उन अपनी अनचाही जो आदतें हैं वो दूसरों को प्रभावित करती हैं तो उन आदतों को आपको बदलने की कोशिश करना चाहिए। कभी कभी रहता है कि आपको किसी ने नहीं बताया तो आपके अंदर वह आदतें आ गई, आप छींक रहे हैं, आपको आदत नहीं है रूमाल की, लेकिन हमें देखकर भी कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने अंदर उनको लाना चाहिए। यह उत्पादकता बढ़ाने में भी आपकी सहायता करता है। जब आप स्वच्छ वातावरण में रहेंगे और अपनी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो जो आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी मांसपेशियां जो है वो ऊर्जा फील करेंगी और आप कोई भी काम बड़े अच्छे से करने के लिए तैयार रहेंगे, समय से काम पूरा करने की कोशिश करेंगे और जो आपकी उत्पादकता है वो बढ़ेगी। आपके अंदर जब उत्पादकता आपको जब बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन भी आएगा, क्योंकि जब आपका काम बढ़ रहा है आपको उससे कुछ मिल रहा है और आपका मानसिक रूप से जो है ना वो स्तर है आत्मविश्वास का वो भी बढ़ जाएगा। तो यह इस चीज़ में भी आपकी सहायता करती है। यह आपको अपने कार्यस्थल पर अपने व्यक्तित्व को निखारने में बहुत मदद करती है।
आपने खुद महसूस किया होगा। अच्छा बच्चों, आपने खुद देखा होगा, कोई इतने सारे बच्चे आपकी क्लास में रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को देख के आपको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। क्यों क्यों अच्छा लगता है वो? उन कारणों को जानिए ना, और उन कारणों को, उन गुणों को अपने अंदर भी लाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि उसकी अच्छी आदतें क्या है, साफ तरीके से कपड़े पहन के आ रहे हैं, बाल उसके बहुत अच्छे से बना के आ रही है या आ रहा है, अच्छे से जो शूज़ पहने हैं वो पॉलिश हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व को निखारता है और आपको सबकी नज़रों में ऊपर उठा देता है। यह आपको विभिन्न रोगों से बचाता है, ताकि आप अपने दिनचर्या को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। अगर आप व्यायाम करते हैं या कुछ और अच्छा काम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि आप स्वच्छता में विश्वास कर रहे हैं, तो यह आपको बहुत सारे रोगों से बचा कर रखता है। क्योंकि कई तरह की एलर्जी तो इस तरह की होती हैं जो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो अपने आप दूर हो जाती हैं। आप बहुत सारे रोग हैं जो आपको छुएंगे भी नहीं, आपको दूर से देखकर ही भाग जाएंगे, क्योंकि आप स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, योग कर रहे हैं, उसके लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, अपने लिए समय दे रहे हैं, तो यह आपकी दिनचर्या को भी प्रभावी रूप से बनाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि अच्छे स्वास्थ्य को हम खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन यह आपके द्वारा खुद का बनाया हुआ आपकी पूंजी है, जिसको कि आपको बनानी है छोटी छोटी सी आदतों को बढ़ा के। तो आज के प्रशिक्षण में हमने जाना कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है और हमें यह किस तरह से अपने अंदर लानी चाहिए। और जीवन में यदि वस्तु की हानि होती है तो बेटा उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य अगर हमारा चला गया, यह बहुत अनमोल चीज़ है स्वास्थ्य, और जो आपका समय, यह आप कभी भी वापस नहीं ला पाएंगे। तभी किसी ने सही कहा है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदला जाए रे। इसको कौड़ी के रूप में मत गवाइए, अपने समय का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो जो उक्त प्रसंग है, इसको मैंने पढ़ाने में जो सहायता ली है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि माया शुक्ला जी द्वारा रचित है, और www.nimmilearningonline। तो आशा करती हूँ आपका प्रशिक्षण आज का बहुत अच्छा लगा होगा और भविष्य में आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।